आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है पाकिस्तानी ईटिंग ओनली इंडियन फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज साउथ इंडियन। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके लिए मैं लोग चैनल लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या बात है भाई, इधर इस रेस्टोरेंट पे आने की एक ही वजह है कि मैं जिंदगी में पहली बार ट्राई करना चाहता हूँ कि ये जो केले के पत्ते के ऊपर रख के देते हैं खाना कैसे लगता है। हम ये केले के पत्ते में रख के भाई स्टीम में रखा है इन्होंने। इसका नाम क्या है? नहीं पता। नहीं उसको पता है लेकिन उसका नाम नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। हैदराबाद तेलंगाना। लेकिन हैदराबाद में भी कराची बिरयानी दे रहे जी? बिल्कुल सेम रेसिपी हमारी यहाँ। क्या बात है, पूरा इंडियन स्टाइल। भैया मैं हूँ पाकिस्तानी और हूँ सऊदी अरेबिया में और ट्राई करना चाहता हूँ अगले 24 घंटे सिर्फ इंडियन खाना, क्योंकि जब से हम लोगों ने 24 घंटे वाला चैलेंज स्टार्ट किया है सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेशन आई है वो यही आई है कि 24 घंटे आप जो है ना इंडियन खाना खाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मलिक फरीद और आपको एक नए और खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। लें जी, सुबह सुबह मदीना का ट्रेन स्टेशन, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग जद्दा की तरफ। साउथ इंडियन फूड मैंने कभी नहीं ट्राई किया, देखते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं और कितना मुख्तलिफ है हमारे दूसरी साइड से। फिलहाल जाते हैं हमारी ट्रेन पे, कल रात को हमारी ट्रेन मिस हो गई थी इसलिए आज ट्रेन ले रहे हैं। जाएंगे यहाँ से मक्का और फिर मक्का से जद्दा की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सामने ट्रेनें तैयार हैं, पता नहीं इनमें से लाल जाती है या सफर। ये बिजनेस क्लास के डब्बे हैं भाई, लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने इस पे सफर किया था। अगर बिजनेस क्लास देखनी है तो लास्ट व्लॉग देख लीजिए। भैया हमारा चैलेंज तो है इंडियन फूड का, लेकिन अभी मुझे कॉफी की बड़ी क्रेविंग हो रही है, जाके देखते हैं मिलती है या नहीं। अब भैया हमारी कॉफी और पानी ले आए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन डिश कोई नहीं थी इसलिए हम लोगों ने अपना खाने के लिए कुछ नहीं लिया नाश्ता। और हमारा चैलेंज शुरू हुआ था जाहिर है हमारी टिकट से, 7:30 पे हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ है, समझ लें हमारी टिकट जब की थी। यहाँ पे जो बूफिया है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे छोटे छोटे पिज़्ज़ा वगैरह केक वगैरह छोटे मिल जाते हैं और स्नैक्स मिल जाते हैं छोटे। वो स्नैक नहीं, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी उनके पास नहीं थी, ये जो रेडी पे लेके आते हैं। जब मैं आ रहा था तो अरेबियन कॉफ़ी थी उनके पास, अभी मैंने पूछा अरेबियन कॉफ़ी भी नहीं थी ब्लैक भी नहीं थी, तो इसलिए ब्लैक कॉफ़ी मैंने वहाँ से जाके लिए इनकी जो कैफेटेरिया बनी हुई है ट्रेन के अंदर ही। लेकिन कैफेटेरिया पे जाने के लिए मुझे तकरीबन कोई 5 डब्बे क्रॉस करने पड़े, लेकिन अच्छा है, फ़न है, बैठ के क्या बोर होना है, घूमते फिरते रहें खाते पीते रहें नई नई चीज़ें डिस्कवर करते रहें, मज़ा आता है उसमें। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। कल हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर पार्क की थी, अब देखते हैं कि गाड़ी को कितने घंटे हुए हैं। कल हम लोग यहाँ से 12:30 बजे वाली ट्रेन लेके गए थे और अभी तकरीबन 10 बज रही है, 5 मिनट रहते हैं 10 बजने से। खास तौर पे ये देखना है भाई पैसे कितने बने। यहाँ पर पेमेंट का सीधा सिस्टम है भाई, मशीन से पे कर दो। ये है जनाब वाला हमारा कार्ड। क्या भाई बता भाई, उत्तरी खैर हो ये यार, 126 रियाल पार्किंग के कुछ ज्यादा नहीं हो गए? कुछ ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा होगा। और चैलेंज को ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए इब्राहिम भाई ने कहा है कि भाई चैलेंज स्टार्ट होगा जब आप पहला मील खाएंगे, पहला खाना खाएंगे, तब से, अब से नहीं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बनता भी इस तरह है ना, डन हो गया उससे जी। ठीक है चैलेंज जी, सबसे पहले हम लोग आ गए हैं यहाँ पर तेरी मेरी बिरयानी। और यहाँ पर आपको पता है कि हैदराबादी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त मिलती है, जिसके लिए आज हम लोग स्पेशल आए हैं। वैसे तो कराची और हैदराबादी बिरयानी के लिए फेमस है तेरी मेरी बिरयानी, मतलब एक ही छत के नीचे आपको दोनों बिरयानीज़ मिलती हैं। कराची बिरयानी चाहिए हो आपको, हैदराबादी बिरयानी चाहिए हो, मटन चाहिए हो, चिकन चाहिए हो, सब होता है और चाइनीज़ भी होता है यहाँ पर। लेकिन हम लोग स्पेशल आए हैं आज हैदराबादी बिरयानी के लिए और शुरुआत यहीं से करने लगे। आप लोग का कब मगरिब के बाद होता है? मगरिब के बाद और सुबह में 12 बजे। सुबह 12 बजे नई देग आती है, मतलब नई हंडी आती है? नई हंडी। क्या बात है, ये कौन सी हैदराबादी? हैदराबादी क्या बात है, हैदराबादी मटन ये कॉम्बो में बना रहे हैं, ये नया लॉन्च हुआ है, इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। ये जनाबे वाला आगे, ये कौन सी है? कराची चिकन। कराची चिकन देखें, इसमें आलू है और इसके अंदर जो है चिकन डाली हुई है। क्या अभी तेरी मेरी के ऊपर जो है ना इन्होंने नया कॉम्बो लॉन्च किया है, तो मैं वही कॉम्बो ही लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ना मिक्स होके अच्छा एक फ्लेवर्स का कॉम्बो ले सकते हैं आप। तो अभी आता है टेबल पे तो बताता हूँ मैं आपको। और इसमें अभी कॉम्बो में इन्होंने बिरयानी डाल दी है और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें डालने लगे। इसमें क्या बनाने लगे? नूडल्स बनाने लगे।
चाउमीन। यहाँ पर जनाब अल्लाह हमारे पास तीन तरह के कॉम्बो आ गए हैं तेरी मेरी बिरयानी पे, लेकिन आज हम लोगों ने आपको पता है कि सिर्फ इंडियन खाना खाना है, मगर कॉम्बो के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर चाइनीज कॉम्बो है 21 रियाल का, यहाँ पर फ्राइड राइस भी ले सकते हैं और आप नूडल्स भी ले सकते हैं जो कि चिकन के साथ हैं। देखें यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, साथ में 65 भी है और यहाँ पर चिली चिकन ग्रेवी भी है, साथ में आपको रुमाली रोटी मिलती है और इस तरफ सलाद है, साथ में दो तरह के सॉस और इस तरफ देखें हमारी कराची बिरयानी है, ये चिकन में है, ये 18 रियाल की। आप हैदराबादी बिरयानी भी ले सकते हैं चिकन में, वो भी 18 रियाल की होगी, साथ में आपको 65 रायता और सलाद मिलेगी, रुमाली रोटी मिलेगी। और इस तरफ है हमारा वो खाना जो हमने अभी है खाना, ये 21 रियाल का हैदराबादी बिरयानी, साथ में रुमाली रोटी 65 और साथ में ये वाला सालन जो हैदराबादी बिरयानी के साथ हमेशा हमें मिलता है। तो हम लोगों ने ये खाना है और फिर भाई जो हैं वो इधर डबल मजे लेंगे। ये देखें जनाबे आला, हैदराबादी बिरयानी से हमारा आज का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। पहला हमारा मील और हैदराबादी बिरयानी। स्पाइस लेवल बहुत ज़बरदस्त है, मसाले आपको प्रॉपर फील होते हैं और ये इनकी हांडी अभी आई थी तो ताज़ा है बिल्कुल। शादाब भाई, इंडिया में कौन सी जगह पे खोला है? हैदराबाद तेलंगाना। लेकिन हैदराबाद में भी कराची बिरयानी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सेम रेसिपी हमारी यहाँ की। अच्छा, वहाँ पे हैदराबाद में दे रहे हैं। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, जैसे यहाँ पर हमेशा हम लोग देते हैं लोगों को डिस्काउंट मेरे नाम पे, जी वहाँ पे भी देंगे इंडिया में? बिल्कुल, आपके नाम से जो है कि बाय वन गेट वन से आप मटन लेंगे हमारी हैदराबादी तो कराची फ्री है मटन, कराची मटन फ्री फ्री है, कराची लो या हैदराबादी फ्री, सेम चिकन और मटन। कितने दिन के लिए आप ऑफर देंगे ये हमको हमारे देखने वाले दोस्तों? आप देखेंगे आपके व्यूअर्स की मोहब्बत में हम एक दो दिन इंशाल्लाह। दो दिन करें बस, आप बोलिए आप इसके कम अज कम तीन दिन तो कम से कम आप लोग रखें इंशाल्लाह। चलें भाई, डेट्स आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी यहाँ पर, कौन कौन से दिन पे आपको जाएं कोई भी बिरयानी खरीदें तेरी मेरी बिरयानी हैदराबाद में। कौन सी जगह? हैदराबाद सिल्वर कैस्टर बिल्डिंग, यूसुफ टेकरी, टोली चौकी। टोली चौकी आप चले जाएं वहाँ पर, और अगर हैदराबादी बिरयानी लेंगे कराची बिरयानी फ्री, कराची बिरयानी लेंगे हैदराबादी फ्री, चिकन लेंगे चिकन फ्री, मटन लेंगे मटन फ्री, एक के साथ एक फ्री, मज़े उड़ाओ भाई वहाँ पर जाके। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर हैदराबादी बिरयानी खा रहा हूँ अभी। बिरयानी तो भाई तेरी मेरी की ख़ास तौर पर ये जो हैदराबादी बिरयानी है मेरी फेवरेट है। रुमाली रोटी इनकी मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ, ये देखें बड़ी पतली खस्ता रोटी बनी हुई है और इसको हम लोगों ने खाना है 65 के साथ। हुए हुए हुए, इसमें जो ग्रीन चिली डाली हुई है ना 65 में, ये नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़बरदस्त। एक तो चिकन जो है ना बिल्कुल ड्राई नहीं है और खुशबू आई है साथ में बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने देखें ये छोटा कड़ी पत्ता वगैरह डाला हुआ है, मिर्ची डाली हुई है, ख़ास तौर पर मेरी फेवरेट, तो बहुत बहुत मज़ेदार। और बिरयानी जो है वो इस सालन के साथ, इस ग्रेवी के साथ जाएगी तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। अब्दुलरहीम भाई आपने बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बनाया आज, हाँ लेकिन ये वाली बिरयानी मत खाना भाई, ये इंडिया में आती है ना? हाँ ये इंडियन है, आपने 24 घंटे से इंडियन ही खाना है? हाँ मैंने तो इंडियन खाना है। आपने खाना है ना? हाँ मैं सारा खा सकता हूँ, ये भी ये भी। लेकिन इंडियन आप ना खाएं ना, वो मेरा चैलेंज वाला है। आपका चैलेंज है, मैं तो खा सकता हूँ, मेरा तो कोई चैलेंज नहीं है। हाँ आपका तो चैलेंज नहीं है, चलो मैं तो खाऊंगा। आप चाइनीज से शुरू कर रहे हैं, कैसी हैं नूडल्स? मज़ेदार यार, थोड़ी सी नहीं ये इंडिया में यार, ये नूडल्स इंडिया में होता है? इंडिया राइस नूडल्स हैं, ये चाइनीज है, चाइनीज वो कहते हैं हैदराबादी चाइनीज, ओरिजिनल चाइनीज रहता जो आप नहीं खा सके, हाँ उबला हुआ रहता। हाँ अच्छा, ये ओरिजिनल चाइनीज ही है? ओरिजिनल चाइनीज नहीं, ये भी इंडियन स्टाइल है क्योंकि हम चाइना वाले हैं, करी पत्ता नहीं खाते। हाँ कराची में यार चखने की इजाज़त है? ठीक है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा चखूँ, ज़्यादा नहीं यार। तेरी मेरी के जो नूडल्स हैं ना मेरे फेवरेट हैं, मैंने हमेशा जब भी आता हूँ नूडल्स इनके ज़रूर लेता हूँ, नूडल्स और हैदराबादी मटन बिरयानी, ये दो चीज़ें मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। कितने में? ये 18 रियाल में ये सारी चीज़ें और साथ में सलाद भी 18 रियाल। मज़े हैं जद्दे वालों का है ना, यकीन जाने मज़े हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद वाले भाइयों बहनों दोस्तों बता देना तेरी मेरी पे जाके कि अब्दुलमालिक फरीद भाई आप उनके दोस्त हैं, जाके बता दें उनको कितने मेरे दोस्त वहाँ पर हैदराबाद में रहते हैं। देखिए मेरा पार्सल खाली हो गया, आप ख़त्म फिर भी नहीं कर सके, ऐसे बस मुझे मना करने के चक्कर में थे कि नहीं आप मेरे साथ खा रहे हैं बल्कि आपने खाना नहीं। चलें जी, हैदराबाद से निकल के हम लोग जा रहे हैं केरला की तरफ, और इंडियन खाना हो बनाना लीफ पे, मतलब केले के पत्ते पे रख के खाना ना खाएं आप, तो फिर इंडियन फूड हमारा कंप्लीट नहीं होता। वैसे ये तेरी मेरी बिरयानी जो है यहाँ पर मौलफीन स्ट्रीट पे अजीज़िया जद्दा में, देखें भाई ये जद्दा का माहौल है, यहाँ पर शाम को हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई यूँ आपको पता है चाय का शौक फरमाने आते हैं। सर मेरा ख्याल है कि जब आपके 6000 फॉलोवर थे ना, मतलब हम अपने एरिया में आते हैं ना भाई, देखें सब अपने भाई मिलते हैं। चले अब्दुल भाई चाय।
कौन सी चाय लेंगे? अरे शर्मा का है रहे हैं क्या, अदरक की चाय लेंगे यार। ये तो भाई से पूछना रहिए, क्या है भैया इधर कौन कौन सी चीज रखी हुई है? मैसूर मच्छी है, समोसा है, कुलचा है, बड़ा है, दही बड़ा है। दही बड़ा, वाह क्या बात। आज हम लोग इंडियन खाना ट्राई कर रहे हैं। अच्छा अदरक की चाय स्पेशल। कितने की है ये चाय भाई? दो रियाल की। दो भाई सीधा एक रियाल की बताओ। हम लोगों ने दो रियाल की। हाँ इसीलिए जबरदस्त। अब्दुल भाई पेमेंट कर दो यार। ये एक दे दें, ये नई चीज नजर आई। मैसूर बज्जी हो? मैसूर बज्जी, मैसूर बज्जी बोलते हैं। बनती किस चीज से? मैदे से, दही से। अच्छा ये एक दे दें। ओ हल्के नमकीन है। एक एक डिफरेंट चीज़ें ऊपर से जो है ना, बड़ा मजे का है ये। भैया हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोगों का ये अजीजिया गढ़ है, गढ़ जद्दा में। ये खास तौर पे शाम के टाइम पे ये चाय वाली जो चुस्की है ना, इसका वैसे मैं चाय पी के, मसाला चाय पी के फैन हो गया हूँ, ऐसे एक बात है, लेकिन थी बेहतरीन, बहुत मजेदार थी। भाई ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है यार? कोईकोडन। कोईकोडन ये केरला लैंग्वेज? केरला, केरला एक जगह का नाम है वो। अच्छा मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में लाहौर रेस्टोरेंट है, कराची रेस्टोरेंट है, इसी तरह कोईकोडन। भाई इधर इस रेस्टोरेंट पे आने की एक ही वजह है कि मैं जिंदगी में पहली बार ट्राई करना चाहता हूँ कि ये जो केले के पत्ते के ऊपर रख के देते हैं खाना कैसे लगता है, उसका खाने के आखिर एक्सपीरियंस कैसा है। हम लोगों ने हमेशा वीडियोस में ही देखा है। ओह क्या बात है, इधर चाय बना रहे हैं, उधर दूध रखा है, इसमें दूध है, इसमें क्या है? पानी? पानी, पानी सादा। जबरदस्त माशाल्लाह। अब्दुल भाई चाय पीने? दोबारा पी लेंगे। नहीं नहीं अभी बनाना लिखा। देखो भाई पूरा इंडिया लगा हुआ है इधर भाई, पूरा इंडियन स्टाइल इधर भाई बना रहा है। अब्दुल भाई आपसे जो भी पूछे आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना? हाँ हो या ना हो, हाँ। आपकी तबीयत खराब है? आपकी तबीयत ठीक है? यार ये बढ़िया अजीब बात है, यहाँ पर इनके पास ब्राउन पराठा भी है, वाइट पराठा भी है। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ यार, ब्राउन पराठा। और ये इसको मैंने कढ़ाई समझा है, ये क्या नाम है इसका चिकन का? मलबार चिकन। ये बड़ी जबरदस्त। और ये कौन सी चिकन है? चिकन कोई नारचना, कोई नारचना बोल के दिखाओ। 50 रियाल इनाम से ना बोल नहीं सकता बस। भाई इसके अंदर क्या है छुपाती लेके जा रहे? पूरी पराठा है। अच्छा पत्ता के दो पराठे, पराठा है वो। हाँ और ये दाल है? चिकन ग्रेवी। भाई ये साउथ इंडियन खाने का पहला एक्सपीरियंस है हमारा और एकदम अलग ही जा रहा है। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है, देसी खाने है लेकिन अलग किस्म का। और इसका क्या नाम है भाई? बटूरा। अच्छा ये बटूरा, ये तो कल नाश्ते में खाने आए। ये सब बटूरे हैं और ये नहीं पता। ये डोसा बतरी, ये भाई बीफ वारेटा, किरी पटार, किरी पराठा, दो पराठा, बीफ, एग, बनाना लीफ में। ओके बनाना लीफ में पराठा है, कुछ एग के साथ है ना? बीफ भी है इसमें? बीफ भी है अंदर। ओके ये पुदियापड़ा चिकन। पूरा पुदियापड़ा चिकन, पुदियापड़ा चिकन, सब नाम नए हैं, हम पहली बार साउथ इंडियन ट्राई कर रहे हैं। ये पराठा? हाँ केरला पराठा। वाह यार ये अच्छे दाल, देखो कैसा खूबसूरत है माशाल्लाह। वाह ये पराठा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये वाली डिश ट्राई कर रहे हैं, इसका नाम क्या बताया था भाई? बीफ वॉरेट सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ ये रेकमेंडेड है? सब जिसके साथ मर्जी है, ये पता नहीं के साथ खा रहे हैं हम लोग। वो गरम गरम इन्होंने बना के दिया, पता नहीं खा रहे। इसका नाम पता नहीं? नहीं पता, नहीं पता। अच्छा नहीं पता, नहीं हाँ शुरू से पता नहीं है मतलब नहीं पता। ग्रेट, ये देखें जनाब ये बीफ ले रहे हैं सबसे पहले, जिसका नाम थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। याद भूल गया होगा ना, मुश्किल नाम होते हैं ना। काला ज़बरदस्त है, खुशबू आई है। ये कड़ी पत्ता डाला है ना, इसकी नेक्स्ट लेवल खुशबू। अभी ये चिकन वाली आइटम लेते हैं, इसको ट्राई मारें, इसको लेते हैं भटूरे के साथ। तवे पे चांपिंग, एक तो हमारे टेस्ट से थोड़ा सा ना डिफरेंट है, वो वाला टेस्ट है नहीं जैसे हमारा टेस्ट होता है, मतलब पंजाब साइड वाला। हम लोग तो पंजाब वाला ही खाते हैं भाई,
पाकिस्तान में मैक्सिमम, या फिर पठानों का टेस्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मटन होता है, तो वो चीज़ तो नहीं है, ये और है, इसमें मसाला है, बड़ा फील है, जिंदा दिल है। इसको कैसे है? ऐसे ही खोलेगा भाई? पहले वो उठाएगा ये भाई तड़के वाला, जैसे हमारा तवा चिकन होता है ना, ये उस तरह की आइटम है। आ जाओ इधर, इधर इसको रखो। अच्छा, जैसे तवा पीस होता है ना हमारे यहाँ, वहाँ पर ये उस तरह की आइटम है। पहली बार साउथ इंडियन यार, क्या बात है। लेकिन लीव कहाँ है? हम तो लीव पत्ता कहाँ है? ये देखे, ये पत्ते के अंदर दिए, देखिए। हाँ, ये इधर पत्ता है, इधर देखो, इधर केले का पत्ता है। हाँ, ये पता नहीं है, ये पता है और ये नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। हाँ, पता नहीं है, नहीं पता। और ये यार पराठा, इनका मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, देखे। ये पराठा कम और नूडल्स ज्यादा लगे। हाँ, बलों वाला पराठा है माशाल्लाह। और ये जो अभी चिकन लेके आए हैं, इसको ट्राई मारें, इसमें इधर से ट्राई करें यार, कुछ समझ नहीं आ रही। एक तो गरम है फुल, ये देखा है ऊपर इन्होंने सॉस, कुछ सॉस टाइप लगाया हुआ है, और हरी मिर्च फुल है इसके अंदर। ओए ओए ओए, गरम है बहुत। लेमन है, देखें यहाँ पर लेमन का एक बड़ा ज़बरदस्त जूस इसके ऊपर आ गया। तवा पीस साउथ इंडियन समझ पराठे के साथ, इतना धुआं निकल रहा है ना इसने, जल जाओगे। इनके थोड़ा सा मसाले जो इसके ऊपर डाले हुए हैं वो थोड़े से ऑर्गेनिक है। ये देखो ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है, ये देखें पूरी बोन इन्होंने दे दी है बीफ की। हाँ हाँ, रिब दी हुई है इन्होंने, देखे कैसी रिब, ऊपर मसाला वसाला डाला हुआ है। ये बीफ देखें, ओह ये देख रहे हैं, इसको ट्राई मारते हैं फिर। खाना तो आपको पता है हमारे अब्दुलरहीम भाई नहीं है यार, इस रोटी के साथ खाएं। ये रोटी कैसी है एकदम, एक तो वाइट है, पता नहीं कच्ची तो नहीं। ये राइस का है ब्रेड, ओके, ये इसका सोर्स जो है राइस है भाई, वाइट ब्रेड नहीं है। ये बीफ के साथ भाई ने रेकमेंड किया, कहते हैं ये बीफ के साथ खाएं आप, चावल की रोटी। और ये मसाला है बीफ का, बीफ मसाला। अच्छा, इसमें जो मसाले हैं ना थोड़े से डिफरेंट है। आ जाओ आ जाओ भाई। हो, ये केले के पत्ते में रख के भाई स्टीम में रखे हैं इन्होंने, ये देखें। ओ, केले के पत्ता देखो यार। हाँ 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 हाँ, ये जनाब केले के पत्ते की तिजोरी खुल गई है यहाँ पर। हाँ हाँ, ये पराठा अंदर से निकला है, अंदर इसमें एग है, बीफ है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग। ये डिनर का आइटम है, पूरा डिनर का आइटम है। हाँ, ओहो, अंदर से जो पराठा है ना बड़ा 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 फ्लफी हो गया है अंदर से, इसको थोड़ा सा इसके साथ, बहुत गर्म है, हाथ जल गया। ये बीफ है साथ में पराठा है और बहुत ज़्यादा गर्म है, इधर अंडा भी डाला हुआ है यार, थोड़ा सा लेमन थोड़ा सा आना चाहिए यार। ओहो, लेमन ने और ज़्यादा जाके उसको पुश कर दिया है, बहुत मज़ेदार है। ये इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार और बगैर लेमन के भी ट्राई करना चाहिए। अब्दुलरहीम भाई, भाई ऐसे ही फंसते हैं मेरे साथ, इनको वीडियो का लालच देंगे ना कि आप अच्छे कैमरा मैन हैं। अब्दुल भाई आप सुनते नहीं थे? मैं तो हूँ वैसे ही हूँ माशाल्लाह। हाँ, और आप लोगों ने बताना किस तरह माशाल्लाह। हाँ, आप लोगों ने बताना है कि कितने सीन भाई ने मिस किए हैं, बोल कुछ रहे होते हैं दिख कुछ रहा होता है। ये बगैर लेमन के ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इन सारी आइटम्स में, देखने के कैसे मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। अब्दुल भाई है गर्म अभी तक भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वाला पराठा भाई मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। ये इसका नाम क्या है? कीड़ी पराठा। की के आई वाई आई की। ओके, कीड़ी पराठा। दूसरी चीजें खाओ भाई, आपकी तरफ से यही रेकमेंडेड है ना, वही तो दूसरी चीजें टाइप हमारा यार, यार ये एक्सटर्नल पराठे के साथ भी खा सकते हैं यार, पराठा बहुत इंटरेस्टिंग है इनका, देखे ना ये। अच्छा, गरम गरम ब्रेड सारी इन्होंने ना गरम गरम दी हैं। ये हरी मिर्ची देखो अंदर यार, बढ़िया बढ़िया, बट इतना खाना नहीं खा। खास तौर पे जो प्रेजेंटेशन थी ना, खूबसूरत, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सोडा शरबत, ये भाई इनका स्पेशल शरबत है और सोडा इसमें डाला हुआ है, कहते हैं ज़बरदस्त है, और खाने के एंड पे पियो, वो कहते हैं सब मसाला वसाला धो देगा, क्लियर कर देगा एकदम। ओ बिल्कुल डिफरेंट है यार, एकदम ऐसा टेस्ट हम लोगों ने चखे ही नहीं है उस तरह का, मतलब समझ में आता भी है और नहीं भी आता। मतलब ये कि
इज़्तिराब होते हैं कि अभी आया हूँ पहुँचा नहीं, तबाद अभी है नहीं आया हूँ पहुँचा नहीं पहुँचा नहीं। भाई ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है, हमको बहुत मुश्किल। रेस्टोरेंट का नाम कोईकोडन रेस्टोरेंट है, कोईकोडन जिद्दा में शर्फिया में शारा तौबे में रहता है। शर्फिया शारा तौबा, शारा तौबा वो बख्श हॉस्पिटल का पीछे, बख्श हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे पीछे। The next day. तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम लोगों ने पहले हैदराबादी खाना खाया, फिर हम लोगों ने खाया साउथ इंडियन, और अब खाने के लिए आ गए हैं हम लोग लखनवी खाना, यहाँ पर बिरयानी गेट जद्दा में अजीजिया में। और यहाँ पर अभी लखनवी खाना ट्राई करते हैं कि कितना मज़ेदार होता है लखनवी खाना। रात को आपको टाइम दिखाना भूल गए थे भाई, लेकिन अभी टाइम देख लें, डेढ़ बजे, डेढ़ बजे। ये जनाब अला अब आ गए गुलाब जामुन, और साथ में हमारे अब्दुल्लाह भाई भी आ गए। एक मीठे की बात आई तो अब्दुल्लाह भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं इतने मीठे यार। ये तीन ठीक है फरीद भाई। हाँ ये मेरे हैं। मजा आ गया यार, मैं भी तो देखूँ वाकई मज़ा आया है। रुको मज़ा ना आया तो मैंने आपको 50 रियाल दे। ये कोई उल्टा ही इन्होंने मुझे चैलेंज किया है। असल में मैं कभी भी खाने की चीज़ की नेमर की बुराई करते ही ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा है। ये भाई कह रहे हैं ये लोग अपना यहीं पर बनाते हैं गुलाब जामुन, मतलब बाहर से ला के नहीं रखते। ये हमारी फेवरेट टूने कबाब बनने लगे हैं। देख अब आप चिकन फ्राई बोटी, ओह उधर भी भाई जो है कमाल कर रहे हैं, क्या बात क्या जबरदस्त। गार्लिक नहीं पता नहीं, लखनवी मटन बिरयानी है इधर हमारे पास, हैदराबादी बिरयानी ये इधर हैदराबादी बिरयानी, और ये सिंधी बिरयानी, चिकन टिक्का मसाला है यहाँ पे, ये चिकन स्टू है, और ये मटन कौरमा है ठीक। और ये कौन कौन से रायते हैं? गार्लिक वाला रायता है ये मिंट सॉस, मिंट सॉस गार्लिक सॉस। ये जनाब हम लोग गार्लिक नान के साथ शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये जो टुंडे कबाब है ना, ये आपको पता है लखनऊ की जो लखनऊ की सौगात आप कह सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं। देखें कैसा ज़बरदस्त घुल गए हैं, क्या बात है। ये कहते हैं कि जो उस ज़माने में बादशाह थे ना, उनके दांत ख़राब हो गए थे, जो तब के खान सामा थे उनकी ईजाद है ये। तो ऐसे तो टुंडे कबाब के नाम से आजकल मशहूर है, लेकिन इसको कलौटी कबाब भी कहते हैं। अच्छा ये इसका कॉम्बिनेशन, भाई ने कहा कि वो कॉम्बिनेशन उसके साथ हम ट्राई करेंगे। बिरयानी गेट के टुंडे कबाब बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो शीरमाल है ये टुंडे कबाब का भाई है। टुंडे कबाब जो हैं लाजमी इसके साथ ट्राई करने चाहिए कहते हैं, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। अब ये देखें शीरमाल मीठा नहीं, तीसरा इसे टुंडे कबाब का ले लिया है हमने, और साथ में ये इन्होंने अनियन दिया हुआ है, साथ में सलाद वलाद है, तो इसको लगा के हम लोग ये गार्लिक सॉस के साथ, ये गार्लिक सॉस आ गया इसका, ग्रीन मिंट सॉस बहुत ज़बरदस्त है ये, कमाल। एकदम से खुशबू जो आती है ना ये टुंडे कबाब में, लखनऊ टेस्ट आपको फील होता है, इलायची के एक बड़े ज़बरदस्त फ्रेगरेंस साथ चल रहा होता है। कबाब की बात चल ही रही है तो हम लोग शामी कबाब भी साथ में ट्राई कर लें, ये थोड़ा शीरमाल ज़्यादा कबाब। हाँ 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 ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, टेस्ट दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ये शामी कबाब भी बहुत फुल मिक्स प्लेटर है बारबेक्यू के, यहाँ पर हमारे पास तंदूरी चिकन, हरियाली टिक्का, टिक्का बोटी, मलाई बोटी और भट्टी का मुर्गा ठीक। प्रेजेंटेशन अच्छी, सीख कबाब आ गए, ये चिकन का सीख कबाब है बहुत ही ज़बरदस्त देखें, और इसको भी सेम वही दो सॉसेज इधर साथ में इन्होंने दिए हुए हैं। कबाब भी कमाल बने हुए हैं, और देखें अंदर मिर्ची मसाले वगैरह एकदम ज़बरदस्त लखनवी टेस्ट। लें सर हमारे गार्लिक नान के साथ चिकन टिक्का मसाला हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पर चिकन है बहुत ज़बरदस्त, और मसाला फुल फुल ऑफ मसाला गरम गरम है, इसको इधर मसाले के साथ दोबारा डुबें। खूबसूरत बाइट, बिस्मिल्लाह। इसकी जो ग्रेवी बनी हुई है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अंदर ना मलाई वगैरह डाली हुई है, तो उस चीज़ को मैंने बड़ा इंजॉय किया। बड़ी थिक है इसकी ग्रेवी, और मसालेदार खुशबूदार, ख़ास तौर पर लखनवी खाना हो खुशबू ना हो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए इसकी एक एक्स्ट्रा बाइट बनती है अभी शूट के दौरान। पसंद आया कमाल। ये जनाब हमारा धनिया नान है, इसके साथ हम लोग ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। चिकन स्ट्यू है ये, और इसका लेग पीस ऊपर ही पड़ा हुआ है, साथ में इन्होंने जो है ना अदरक वगैरह ऊपर डाल के अच्छी बना के दिए, और इसको देखें ये कितनी डिफरेंट है हमारे पहले वाले चिकन मसाला से, टूट गया एकदम से। साथ में आपको ना गार्लिक और साथ में ऊपर अदरक डाला हुआ था, खुशबू फील होती है, धनिया था, धनिया की खुशबू। ये जनाब हमारा
लखनवी कुलचा, और इसके साथ हम लोग हमारी मोस्ट फेवरेट चीज़ आपको पता है मटन ही होती है। ओहो हो हो, ये मटन देख रहे हैं कैसा अच्छे वाला मटन है। अच्छे से हम लोगों ने अंदर इसकी ग्रेवी लगा के, इसने यकीनन बहुत सारी खुशबुएं देनी है अपनी पहली बाइट में। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। इस तरफ हमारे बारबेक्यू में खास तौर पे ये जो ग्रीन बोटी है ना, हरियाली बोटी, बारबेक्यू भी यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप में से कोई आता है ना तो उसने मुझे दुआएं देनी है, सिंपल अगर मैं यही बताऊँ तो। सब चीज़ें, खाना बहुत मज़ेदार है। ये लें जनाब भट्टी का मुर्ग, कबाब से हट के थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक ऐसे टेस्ट दोनों का, लेकिन बहुत मज़ेदार है। लखनवी बिरयानी सबसे पहले विद मटन। इस तरफ है हमारी हैदराबादी बिरयानी, ये चिकन में है। यहाँ पर इंडिया की बिरयानी है, पहले हम लोगों ने ट्राई करनी है हैदराबादी और लखनवी, उसके बाद फिर सिंधी बिरयानी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हैदराबादी, हैदराबादी बिरयानी अच्छी है। इसके साथ में वो ग्रेवी नहीं देते आप लोग? अच्छा, देते हैं साथ में। और ये हमारी लखनवी बिरयानी ट्राई करने जा रहे हैं मटन के साथ। बिरयानीज अच्छी हैं। और अब हम लोग सिंधी बिरयानी की तरफ जाने लगे हैं। ये है जनाब हमारी सिंधी बिरयानी, ये आया लेग पीस, और इधर आलू, और ये हमारी बिरयानी। ये हमारा लेग पीस लिया थोड़ा सा, साथ में आलू ले रहे हैं। सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी अच्छी है, लेकिन इनका जो बारबेक्यू है और कोरमा, यहाँ पर ख़ास तौर पे गलौटी कबाब, शामी कबाब, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, इस रेस्टोरेंट की एक बड़ी मज़ेदार बात वो ये है कि यहाँ पर रात को 11:30 बजे के बाद जो भी आप ख़रीदते हैं आपको उतना ही साथ में फ्री मिलता है। मतलब एक बिरयानी लो तो दो आपको मिलेंगी, एक की कीमत में दो बिरयानी, बाय वन गेट वन फ्री चलता है इधर 11:30 बजे के बाद, ताकि खाना ज़ाया ना हो। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। क्या बोलते हैं इसको? मसाला छाछ। मसाला छाछ बोलना है, मसाला छाछ। हाँ, मतलब लस्सी नहीं बोलते आप लोग वहाँ पर? है अच्छा, ये अलग है, वो लस्सी अलग है। अच्छा, इसमें मसाले ऐड होते हैं? इसके अंदर मसाला है, आजमा कर देगी, मगर अच्छी है, चाट मसाला टाइप है अंदर। ये स्पेशल है भाई, यहाँ पर बिरयानी गेट पर ये मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंडियन खाने का चैलेंज करके बहुत मज़ा आया। वो इसलिए कि इंडियन तो अपना नज़दीक का है ना, लेकिन वो जो साउथ खाना था ना वो बड़ा डिफरेंट था मेरे लिए, बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस था उसका। जब हम लोगों ने पहली बार ये बड़ा पाव वगैरह और ये सारी चीज़ें एक फूड ट्रक के ऊपर जाके ना ट्राई की थी, वो वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और फ़लस्तीनी खाना हम लोगों ने 24 घंटे खाया है, वो व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पर नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखें। बस स्टार्टिंग में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो जो है ना, या तो पाकिस्तान में जो है वो चैलेंज देने लगे या किसी और कंट्री में वो है, और बाद में क्लियर हो गया भाई वो सऊदी अरब में जो है। लेकिन भाई जितने रेस्टोरेंट्स में गए हैं उन्होंने इंडियन खाना ट्राई किया है, तो मेरा ख्याल है कि भाई एक जो वो होता है ना टेस्ट, बाद में भी उन्हें जो है ना वो कहीं ना कहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी जब हम जो है खाने जाते थे खाना, इंडियन खाना, और ख़ासतौर पर जब वो बीटल लीफ कैफ़े जो रेस्टोरेंट था उसका जो टेस्ट है ना वो बाद भी आपको फील हो रहा था। बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि वैसे मुझे पर्सनली साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, लेकिन मैंने साउथ इंडियन में नॉनवेज जो है वो ट्राई नहीं किया। लाइक जब हम लोगों को मौका मिला था जाने का इंडियन रेस्टोरेंट में, तो मेरा ज़्यादा एक मेरी इंटेंशन ये रहती है कि मैं ज़्यादातर वेज फूड ट्राई करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉन वेज फूड मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए जो आपने पहले ट्राई नहीं की हो। और इनफैक्ट ये चीज़ मैंने नोट ज़रूर की थी मलेशिया में स्पेशली, कि जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको ये बिरयानी स्पेशली मटन बिरयानी बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। मतलब नॉन वेज मुझे लगता है कि मैंने आई थिंक पहली दफ़ा वहाँ पर देखा था कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, और तब मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुई थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आपको अच्छा खासा नॉन वेज फूड जो है वो देखने को मिलता है भर भर के, यानी कि हमें ये आइडिया नहीं था। हाँ। लेकिन हाँ, एक चीज थी, वो जो केएल स्टेशन के पास जो इंडियन रेस्टोरेंट था ना, जहाँ पे बनाना लीफ हमने खाया था, वो वेज फूड वेज नहीं वो उधर भी बहुत ज्यादा नॉन वेज आपको मिला था, लेकिन मुझे उसकी जो है ना वहाँ पर हलवा जो है वो मैं अभी तक नहीं भूला, उसका हलवा बहुत मजेदार था। बनाना लीफ
उसके ऊपर जो भी वो प्लेटर था खाने का, मुझे वो सारा ही बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं बात करूंगी करेले मुझे बहुत अच्छे लगे, मिर्ची बहुत अच्छी लगी और भिंडी बहुत अच्छी थी। मतलब सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टेस्ट था। ऑल्दो अगर हम लोग नॉर्थ साइड की बात करें, क्योंकि लाहौर भी नॉर्थ में ही आता है, बिल्कुल, तो यहाँ के टेस्ट में और साउथ के टेस्ट में आपको डिफरेंस जरूर मिलता है लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे मतलब जो नॉर्थ में लोग रहते हैं, मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगी, उनको साउथ का टेस्ट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी फ्रेंड को भी साउथ का खाना इतना पसंद नहीं आया था, वो दुबई में रहती है, बट मुझे तो साउथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे लगता है बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स के साथ जो है ना वो आपको खाना खाने को मिलता है। बट अभी मुझे दुख ये हो रहा है कि हम मतलब सऊदी गए थे लेकिन हम लोगों ने कोई इंडियन फूड ट्राई नहीं किया उस टाइम पर। यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता नहीं था, आइडिया नहीं था, और दूसरा जो है ना हमें जो है ना सिर्फ वहाँ पर खाने में कोई अच्छी चीज़ मिलती थी ना वो खबसा ही वहाँ पर मिलता था। बाकी अगर बात करें अलबेग भी अच्छा था, उनका चिकन अलबेग भी अच्छा था, लेकिन बाकी जो वहाँ की, मैं तो सबसे पहले भिंडी देख हैरान था, भिंडी देख दिल खराब हो रहा था। हमारे यहाँ पे होती है ना खुश्क होती है, इनकी बहुत ज्यादा खुश्क भी नहीं होती और बहुत ज्यादा वो हाँ पानी में तैरने वाली भी नहीं होती, वो ऐसे भिंडी है स्विमिंग करने जो है वो निकली हुई थी। हम लोग वो हाँ वो इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे, वो बड़ा लोकल सा इंडियन रेस्टोरेंट था, लेकिन ये कि वहाँ पर हम लोगों को ये पसंद नहीं आया था, ये सालन जो था ना भिंडी वाला, क्योंकि हम लोग खाते थे मसाले वाली, अभी भी हम लोग वही खाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब कभी हमारा चक्कर लगे, अगर हम विजिट करें, मुझे लगता है अब हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों को आइडिया ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है कि वही बात कह रहे थे ना, आइडिया नहीं था। लेकिन जो है अभी जिस तरह उन्होंने कुजीन्स कही, और मेरा ख्याल है जाने से पहले अगर आप होमवर्क कर लें ना तो आप अच्छा खासा जो है वो जाकर चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर जो है वो कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो भाई सऊदी अरब खाना सस्ता नहीं है, लेकिन अगर आप इस लिहाज से देखें ना यहाँ पर भी फाइन डाइनिंग जो है ना आपको तकरीबन एक जितनी ही वो कॉस्ट जो है वो करे। अच्छा पहले रेस्टोरेंट का उन्होंने जो है वो रेट लिस्ट बताया जहाँ पे उन्होंने चाइनीज भी उन्हें साथ मिली, लेकिन अगर बाकी तेरी मेरी बिरयानी हाँ तेरी मेरी बिरयानी पे, लेकिन बाकियों की अगर बात करें तो उन्होंने रेट नहीं बताया कि वहाँ पे क्या क्या रेट और कितना कितना बिल उन्होंने पे किया। मैंने ये चीज देखी है कि सऊदीया में भी ना लाइक अगर आप बहुत नॉर्मल लोकल सा खाना खाते हो ना तो वो कम प्राइस में तो होता है, बट आपको इतना ज्यादा पसंद नहीं आता जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया। थोड़ा सा अगर आप बेहतर खाते हो तो आपको आपके टेस्ट के मुताबिक जो है उसके लिए ऑब्वियसली प्राइस जो है ज़्यादा पे करनी पड़ती है। बट मुझे यहाँ पर ये चीज़ मतलब अच्छी लगी कि देखो डिफरेंट डिफरेंट शहरों की इंडियंस की, लाइक जैसे लखनवी, फिर उसके अलावा हैदराबादी, फिर साउथ इंडियन, क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं, तो आई एम श्योर के वेज फूड भी जो है वो वहाँ पर मिलता होगा, क्योंकि सऊदी में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो नॉन वेज ही खाते हैं। अच्छा वैसे जो है वो स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा कि यहाँ पे तो हमें जो है भाई नॉन वेज की बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलती हैं, तो लिटरली मुझे जो है ना जैसे बाहर गए थे मुझे सबसे ज़्यादा क्रेविंग थी कि भाई पनीर, जो पनीर है वो मैं खाऊँ, क्योंकि मुझे जो है ना फर्स्ट टाइम जो हमने वो अगर आपको याद हो वहाँ पर जो पनीर खाया था वो मुझे इतना मज़े का लगा था। उसके बाद यहाँ पर लाहौर में जो है ना इन्होंने जो है लास्ट टाइम जो पनीर बनाया था ना वो बहुत मज़े का था, और मैं जब लास्ट टाइम बाहर गया था तो मेरी कोशिश थी वो मुझे पनीर जो है वो मिले, और मैंने दोबारा को मुझे बनाकर जो है वो खिलाया, और मेरी बदकिस्मत मुझे पनीर नहीं मिली। लेकिन ये है कि जब हम लोगों ने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ये बटर पनीर जो है वो ट्राई किया था वो बहुत मज़े का था। हाँ बहुत मज़े, यार ग्रेवी बहुत अच्छी, टेस्ट वो जो है ना आपको एक डिफरेंट टेस्ट था आपको, और वो खासतौर पर उसकी वो जो पनीर होती है ना वो बड़ी सॉफ्ट होती है, वो खाने का टेस्ट आपको बड़ा मजा आता है। वो आप ऐसे दूध तो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जो है ना दूध खाने का मजा आया बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि मुझे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जो वो सेकंड वाले में गए हैं कोई कोडन आई थिंक नाम था, वहां पर मैं ये बोलूंगी प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा उनकी अच्छी थी, है ना, लाइक जैसे उन्होंने बनाना लीफ में पराठा अंडा जो है वो मतलब मिक्स करके जो भी उन्होंने बनाए बहुत ही डिफरेंट किस्म की मुझे आइटम लगी, प्रेजेंटेशन भी उनकी अच्छी थी, और दूसरा उन्होंने खाना भी सही जो है वो मंगवाया था। दोनों भाई जो हैं वो काफी वो खुश खुराक जो है वो लग रहे थे, और उसमें जो है ना मेरे लिए एक तो जो जिस तरह वो तवे पे ही जो है सर्व कर रहे थे ये चीज़ एक न्यू थी,
दूसरा जो है वो जो पराठा था लच्छे वाला, वो इतने लच्छे वाला वैसे मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, मैंने जो यहाँ पे लच्छे वाला भी देखा है ना वो भी सही पराठे की तरह थे, बस शेप जो है ना थोड़े वल जो है वो दिए होते हैं। और तीसरा जो चावलों का पराठा था वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा डिफरेंट चीज थी। हाँ वो भी, वो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो पानी में मिक्स करके बनाया हुआ है, क्योंकि वैसे तो रोटी इतनी बारीक नहीं बनती चावलों की, वो टूट जाती है। बट एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जो इंडिया में भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, क्या वहां पर भी नॉन वेज इतना ज्यादा मिलता है? ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। और आप जरूर बताइए कि क्या ये सारे जो खाने जिनका जिक्र हुआ हुआ है आपको इनके बारे में आइडिया है? और इसी के साथ हमें जल्द हमारे वीडियो को चैनल करें। वीडियो थैंक यू गुड बाय।